हेलो गाइस, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो हमारा पोएम्स में से पूछे जाने वाले तीन प्रश्न, जो दो दो नंबर के होंगे, उन दो दो नंबर के प्रश्नों का वीडियोज़ मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक 2021 जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, उसमें से 30 क्वेश्चंस वर देयर इन दैट क्वेश्चन पेपर एंड आई हैव सॉल्व्ड ऑल दीज 30 क्वेश्चंस फॉर यू। तो 30 प्रश्नों को पूरा मैंने सॉल्व किया है। इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक में से ही 60 एक एक नंबर के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ब्लैंक स्पेस वाले 15 से 20 प्रश्नों को भी सॉल्व कर दिया है। और हमने एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन जो स्टैंजा आता है 4 नंबर का, उसके प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट ओपन करके देखिए, वहाँ आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, वो क्या कह रहा है। व्हाट डज द मैन डू इन हिज फोर्थ स्पैन ऑफ लाइफ। जीवन की चौथी अवस्था में, स्पैन मीन्स स्टेज, चौथी अवस्था में मनुष्य क्या करता है। और ये आया है प्रश्न, द 7 एजेज ऑफ मैन। मैंस फोर्थ स्पैन इज ऑफ अ सोल्जर। मनुष्य की जो चौथी अवस्था है वो सिपाही की है। ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब कस्में खाता है वो। एंड लुक्स फियरसम एज लैपर्ड, और तेंदुए के जैसा वो खतरनाक दिखता है। ही ऑलवेज सीक्स ऑनर, वो हमेशा तलाश में रहता है, तलाश करता है सम्मान की। एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कीमत पर। तो अपने जीवन की कीमत पर भी वो सम्मान को तलाश करता रहता है। खतरनाक दिखता है और फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब अजीब कस्में भी वो लेता रहता है। व्हाट डज होप किल। होप किस चीज को खत्म कर देती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कौन सी चीज को होप खत्म करती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि जो आशा है वो अंदर से नकारात्मकता को खत्म करती है। इनसाइड, इनसाइड मीन्स मन से, मस्तिष्क से। नेगेटिविटी मीन्स फ्रस्ट्रेशन। नकारात्मकता का मतलब है हताशा, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। एंड फियर ऑफ फेलियर, असफलता का भय। विच आर लाइक हर्डल्स, जो बाधाओं के जैसे हैं इन द पाथ ऑफ सक्सेस, सफलता के रास्ते में। तो होप किस चीज को खत्म करता है, नेगेटिविटी को। और नेगेटिविटी क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, फियर ऑफ फेलियर होता है, जो कि क्या होती है, सफलता के रास्ते में बाधा होती है ये। व्हाट सिंबल्स डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम नेचर। प्रकृति से कभी कौन कौन से उदाहरण लेता है। नोवल नेचर में से आया है ये प्रश्न, कौन कौन से उदाहरण लेता है। द पोएट ड्रॉज 2 सिंबल्स फ्रॉम नेचर। प्रकृति से कभी 2 उदाहरण लेता है, और वो कौन कौन से हैं। एन ओक ट्री, एक तो ओक ट्री को लेता है, और एक लिली फ्लावर, और एक लिली के फूल को लेता है। तो 2 सिंबल्स या 2 एग्जाम्पल कभी नेचर से लेता है, प्रकृति से लेता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फोर्थ सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन डज अ मैन एक्ट एज अ लवर, एक प्रेमी के रूप में कब मनुष्य अपनी भूमिका अदा करता है। 7 एजेज ऑफ मैन में से आया है ये प्रश्न, और कब अदा करता है। ए मैन एक्ट्स एज अ लवर इन हिज थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की चौथी अवस्था में। जीवन की चौथी अवस्था में मनुष्य प्रेमी की भूमिका अदा करता है। वेयर ही साइज लाइक फर्नेस, जहाँ वो भट्टी के जैसी आहें भरता है। एंड सिंग्स सोरोफुल सॉन्ग्स, और दर्द भरे गाने गाता रहता है। तो इस तरह से चौथी अवस्था में, आपको पता होगा 7 एजेस ऑफ मैन की चौथी अवस्था में वो भट्टी के चौथी अवस्था में लवर की भूमिका अदा करता है, और भट्टी के जैसी आहें वो भरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हेन डज लिली ब्लूम। लिली कब खिलता है, नोबल नेचर में से है ये प्रश्न, कब खिलता है वह लिली। लिली ब्लूम्स एट द डॉन ऑफ द डे। लिली
दिन की शुरुआत में ही खिल जाता है एंड फेड्स और ख़त्म हो जाता है द सेम डे, उसी दिन। तो जिस दिन की शुरुआत में ये लिली खिलता है उसी दिन ये ख़त्म हो जाता है। इट इज़ द फ्लावर ऑफ लाइट। ये किसका फूल है? प्रसन्नता का फूल है, प्रकाश का फूल है, ये खुशियों का फूल है। हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट? पास्ट में आशा ने हमारी किस तरह से मदद की है? होप हैज हेल्प्ड अस इन अवर सर्वाइवल इन पास्ट, कि पास्ट में भूतकाल में होप के सहारे हम सर्वाइव किए हैं, जीवित रहे हैं। होप ने मदद की है हमारी सर्वाइवल, जीवित रहने में। वी हैव थॉट, वी हैव लॉन्ग्ड, हमने इच्छा की है फॉर गुड टाइम, अच्छे समय की। कब के लिए? फॉर द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए। पास्ट में भी हमने क्या इच्छा रखी कि आगे आने वाले दिन हमारे अच्छे होंगे, तो इस उम्मीद में हमारे हमको जीवित रखने में होप ने हमारी मदद की है। आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हैं तो ये मेरा YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश बाय उमेश गुरु, सब्सक्राइब कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनको आप पॉज करके, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पॉज करिएगा और फिर आप ये प्रश्न आसानी से आपको आपकी साइट पे रहेंगे। पॉज करिए और इनका आनंद लीजिए। विद हुम इज स्कूल बॉय कंपेयर्ड? स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है? स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड विद अ स्नेल। स्कूल बॉय की तुलना स्नेल से की गई है। स्नेल जो कि पानी में रहता है, बहुत ही सुस्त घोंगा है ये, पानी में रहने वाला एक छोटा सा जानवर कह सकते हैं, एक सुस्त सा है, बहुत ही आलसी है। तो स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड विद अ स्नेल बिच मूव्स स्लोली, जो धीमे धीमे चलता है। कौन? स्नेल। स्कूल बॉय ऑल्सो मूव्स अनविलिंगली टू स्कूल। स्कूल बॉय भी अनविलिंगली, अनिच्छा से स्कूल की तरफ जाता है, बिल्कुल स्नेल के जैसा चलता है। तो स्नेल से यहाँ पे तुलना की है किसकी? स्कूल बॉय की। आपको ये आंसर्स पसंद, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। मैं देखना चाहूँगा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें मेरे इस वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लाइक करते हैं तो। और डिसलाइक करने वाले एक दो बंदे रहते हैं, डिसलाइक करने वाले, अगर उनको पसंद नहीं आ रही है वीडियो तो ना देखें, कम से कम डिसलाइक का बटन प्रेस ना करें। मैं चाहूँगा सभी से कि जिनको वीडियो पसंद आए तो वो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाउ कैन द बर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ बी मेजर्ड? मनुष्य के जीवन की कीमत को कैसे आंका जा सकता है? मनुष्य के जीवन की कीमत को, बर्थ को कैसे आंक सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं? मेजर मीन्स नापना। मनुष्य के जीवन की कीमत को कैसे नापा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन अच्छा है या बेकार है? द बर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी मेजर्ड बाई हिज एक्ट्स, उसके कार्यों से माप सकते हैं। मनुष्य के जीवन की कीमत को उसके कार्यों से माप सकते हैं, नॉट बाय हिज एज, उसकी उम्र से नहीं। एज जॉनसन पॉइंट्स आउट, जैसा कि जॉनसन ने इंगित किया है, जॉनसन जो कि कवि हैं, दैट अ मैन इज नोन बाय डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि मनुष्य को कार्यों से जाना जाता है ना कि उसकी सालों से। तो मनुष्य को किससे जाना जाता है? उसकी नोबल नेचर से, हम ये कह सकते हैं नोबल नेचर से जाना जाता है मनुष्य को, उसके कार्यों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट डज पॉइट मीन टू द व्हाट डज होप मीन टू द पॉइट? कवि के अनुसार आशा क्या है? तो देखते हैं कवि के अनुसार क्या है आशा। अकॉर्डिंग टू द पॉइट, कवि के अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, जो आशा है मनुष्य के मन की उपज है, मनुष्य के आत्मा की उपज है। होप वेरीज मैन टू मैन, आशा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। बिकॉज, क्योंकि ईच हैज हिज ओन एम्बिशन, प्रत्येक का अपना लक्ष्य होता है, इसलिए आशा व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होती है, और जो आशा है एक व्यक्ति के मन की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। वॉट हैपन्स टू हिज बिग मैनली वॉइस? उसकी मोटी मर्दाना आवाज का क्या हो जाता है? द सेवन एजेज ऑफ मैन में से लिया ये प्रश्न, द सेवन एजेज। तो क्या होता है उसकी मोटी मर्दाना आवाज का? इन द सिक्स्थ स्टेज
मैंस बिग मैनली वॉयस टर्न्स अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स। छठी अवस्था में मनुष्य की मोटी मर्दाना आवाज हो जाती है बच्चे के जैसी, ट्रेवल पाइप्स कांपती हुई सी आवाज हो जाती है उसकी, पैनी पैनी सी आवाज हो जाती है। ही विसल्स इन हिज साउंड, वो अपनी ध्वनि में सीटियां सी बजाता है। वेन एवर स्पीक्स, जब कभी बोलता है छठी अवस्था में मनुष्य, तो सीटियां सी, सीटियों की आवाज़ उसके मुंह में से आती है। और ट्रेवल पाइप्स, चाइल्डिश ट्रेवल पाइप्स, बचपन के जैसी उसकी आवाज़ फिर से हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखें आप। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। ये आपकी होप पोएम में से है ये प्रश्न, कौन कौन से नाम दिए गए हैं देखिए। डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप्स, डिफरेंट नेम्स यहाँ पे आर और लिख लें आप, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर सच एज, चलो आर को यहाँ से हटा देते हैं, बाद में लगा रखा है, तो डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर सच एज, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो ये हैं, कौन कौन से। एक्सपेक्टेशन नाम दिया गया है, फ्यूचर रेलेवेंस कहा गया है उसको, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहा गया है, क्रिएशन ऑफ सोल, तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं फ्यूचर उसके, होप के। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ओक के क्वालिटीज को आप बताइए, मेंशन कीजिए। 12वां प्रश्न है ये हमारा, कौन कौन से गुण हैं ओक के। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ओक इज ऑफ 300 ईयर्स, एक तो 300 साल इसकी जीवन अवधि है। इट इज़ अ ह्यूज बट नॉट अ फ्रूटफुल ट्री, ये एक बड़ा सा पेड़ है लेकिन कोई फलदायक पेड़ नहीं है। एन ओक फॉल्स लाइक अ लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के जैसा गिर जाता है, ड्राई वॉल एंड सीयर, कैसा, मुरझा करके और लकड़ी के लट्ठे के समान, ड्राई वॉल्ड, वॉल्ड मीन्स बिना पत्तियों के, एंड सीयर और सूख कर मुरझा कर बिना पत्तियों के, ये लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप। हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, कि एक दिन का लिली हमको कैसे इम्प्रेस करता है, कैसे प्रभावित करता है हमको ये एक दिन का लिली, तो कैसे करता है देखिए। लाइफ स्पैन ऑफ अ लिली इज टू शॉर्ट, कि लिली का जीवन बहुत छोटा है, येट इट डिलाइट्स इट्स ऑन लुकर्स, लेकिन ये अपने देखने वालों को प्रसन्नचित करता है। इट इज़ अ फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्रकाश का पौधा है, मतलब प्रसन्नता का पौधा है। एंड इम्प्रेसेस ह्यूमैनिटी बाय इट्स नेचर, और अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से ये मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। तो अपने स्वभाव से ये मनुष्य को, मानवता को प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू हिम इन द एंड, अंत में क्या होता है उसके साथ। द सेवन एजेज ऑफ मैन में से है ये, अंत में क्या होता है देखिए। द लास्ट स्टेज इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस ऑफ अ मैंस लाइफ, कि जो अंतिम अवस्था है वो दूसरा बचपन है मनुष्य के जीवन का। तो ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे मनुष्य दोबारा बचपन में चला जाता है। ही बिकम्स टीथलेस, उसके दांत सारे हट जाते हैं, दांत उसके उखड़ जाते हैं, जैसे बच्चा बिना दांतों के होता है। लूजेज इज आइट साइट, अपनी आँखों की रोशनी खो देता है। एंड टेस्ट ऑल्सो, और किसी भी चीज़ में उसका टेस्ट नहीं आता है, किसी भी चीज़ में अगर वो खाए तो टेस्ट नहीं आता, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होती है उसकी। तो ये होती है मनुष्य की लास्ट अवस्था, जहाँ पे आया है वहाँ पे आपको याद होगा लास्ट लाइन्स हैं, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस एवरीथिंग, कुछ इस तरह से लाइन है वहाँ पे, जो लास्ट लाइन है हमारी सेवन एजेज ऑफ मैन की। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखें। 15वां क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डज द बर्ड, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ता है, पक्षी क्यों उड़ता है, आपको पता ही होगा ये कौन से वाले लेसन, कौन सी पोएम में से, होप में से है। द बर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, पक्षी उड़ता है भोजन की तलाश में अपने बच्चों के लिए। इट फ्लाइज टू सीक मटीरियल, ये सामग्री खोजने के लिए उड़ता है। टू बिल्ड होम ऑल्सो, घर बनाने के लिए सामग्री खोजने के लिए भी उड़ता है ये, तो दो चीज़ों के लिए उड़ता है, एक तो भोजन के लिए और सामग्री के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मैं चाहूँगा इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक मुझे मिलें। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट,
मनुष्य के जीवन को कैसे पूर्ण बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार मनुष्य के जीवन को पूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मनुष्य का जीवन पूर्ण हो सकता है बाय हिज एक्ट्स, उसके कार्यों से, नेचर उसके स्वभाव से, एंड गुड डीड्स और उसके अच्छे कार्यों से। तो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाया जा सकता है किससे, उसके स्वभाव से और उसके अच्छे कार्यों से। ए शॉर्ट लाइफ विद हेल्पिंग हैंड, एक छोटा सा जीवन जहां सहयोग हो, इज बेटर, अच्छा है देन लॉन्गर वन, बड़े जीवन की तुलना में छोटा जीवन अच्छा है, लेकिन उसमें कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, मदद करने वाले हाथ होने चाहिए। अ शॉर्ट लाइफ विद हेल्पिंग हैंड इज बेटर देन लॉन्गर वन, लॉन्गर कर देना इसको, कि बड़े जीवन की तुलना में एक मददगार हाथ और छोटा जीवन होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, इन विच एज आउट ऑफ द सेवन, सातों में से कौन सी अवस्था में इज अ मैन फुल ऑफ विजडम, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, इज फुल ऑफ विजडम एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण उसके मन में आ जाते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है। इन इज फिफ्थ स्टेज, अपनी पांचवी अवस्था में, व्हेन अ मैन प्लेज द पार्ट ऑफ अ जस्टिस, जब मनुष्य जस्टिस की भूमिका अदा करता है, ही इज फुल ऑफ विजडम एंड मॉडर्न इंस्टेंस, तो वो बुद्धिमान से भरा हुआ होता है और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ होता है जस्टिस की अवस्था में। तो विच एज पूछा है उसने, कौन सी अवस्था, तो जस्टिस की अवस्था। नेम द डेरिविएट एंड फंक्शन ऑफ होप, जीवन के डेरिविएट कहाँ से व्युत्पत्ति हुई है, आशा की, आशा ने किस चीज की व्युत्पत्ति की है, तो लाइफ, जीवन की। तो लाइफ इज अ डेरिविएटिव फंक्शन ऑफ होप, कि आशा शब्द की उत्पत्ति जीवन से ही हुई है, एज क्योंकि इट सस्टेन्स अ मैंस लाइफ, क्योंकि आशा ही मनुष्य के जीवन को चलाती है। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आशा शब्द से, क्योंकि आशा ही जीवन को चलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, वाई डज द पॉइंट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस, सबसे ऊपर क्यों रखा है कवि ने आशा को, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ क्यों माना है आशा को। द पॉइंट कॉल्स होप प्राइम एक्सीलेंस, सबसे श्रेष्ठ माना है कवि ने, बिकॉज, क्योंकि वन इज होपफुल, एक व्यक्ति आशावान हो जाता है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से व्यक्ति आशावान हो जाता है, इसीलिए जीवन में सबसे ऊपर प्राइम एक्सीलेंस पे किसको रखा गया है, होप को रखा गया है। तो ये वाला जो प्रश्न है होप कविता में से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, लिली के गुणों के बारे में लिखिए, क्वालिटीज ऑफ लिली आर मैंसन्ड बिलो, नीचे चर्चा की गई है, कौन कौन से हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज ऑफ अ डे ओनली, इसका जीवन एक दिन का है। लिली इज अ फ्लावर ऑफ लाइट, लिली जो है प्रकाश का फूल है, प्रसन्नता का फूल है। लिली इम्प्रेसेस ऑल बाय इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर, अपनी प्रकृति या अपने स्वभाव से और अपने स्ट्रक्चर, अपनी बनावट से ये सभी को प्रभावित करता है। तो ये इसकी क्वालिटीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स, एक धाय की क्या भूमिका है, धाय की भूमिका क्या होती है, धाय जिसको आप फर्स्ट स्टेज में आपने इसका नाम सुना होगा, अ नर्स ऑलवेज लुक्स आफ्टर एन इन्फेंट, एक धाय हमेशा देखभाल करती है एक शिशु की, व्हेनेवर इट क्राइज, जब कभी ये रोता है तब उसकी देखभाल करती है। अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन अदर्स, एक बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, फॉर हिज नीड्स, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। इट इज द नर्स, ये धाय ही है, हु केयर्स चाइल्ड, जो बच्चे की देखभाल करती है एट द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, ये धाय ही है जो बच्चे की देखभाल करती है, केयर टेकर जिसे हम कह सकते हैं, नर्स को क्या कह सकते हैं, केयर टेकर। वॉट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड वाई, क्या चीज कली को शाखा पर जोड़े रखती है और क्यों, क्या चीज जोड़े रखती है, पहले तो हम इसका प्रश्न, इसका जवाब लेते हैं। होप
मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, कि आशा एक कली को शाखा पर ठहराए रखती है, किस उम्मीद में ठहराए रखती है, क्यों क्यों ठहराए रखती है। द बर्ड स्टेज देयर, जो कली है वहाँ शाखा पर ठहरी रहती है, बिकॉज वन डे इट विल टर्न इंटू फ्लावर, कि एक दिन ये फूल में बदल जाएगी, एक दिन ये कली फूल बन जाएगी, इस आशा में वो कली पर चिपकी, कली जो है ब्रांच पर चिपकी रहती है। तो कली इस आशा में अपनी शाखा से जुड़ी हुई रहती है कि एक दिन वो फूल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 23। व्हाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, कि जॉनसन लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं। जॉनसन कॉल्स द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, जॉनसन लिली को प्रकाश का फूल कहते हैं, प्रसन्नता का फूल कहते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट डिलाइट्स इट्स ऑन लुकर्स, ये अपने देखने वालों को प्रसन्नचित करता है बाय इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर, अपनी स्वभाव से और अपने बनावट से, तो अपनी बनावट से और अपने गुणों से ये दूसरों को प्रभावित करता रहता है, इसलिए जॉनसन इसको लाइट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हु साइज लाइक अ फर्नेस, भट्टी के जैसी कौन आहें भरता है, सेवन एजेज ऑफ मैन में से है, लवर, लवर प्रेमी, द थर्ड स्टेज ऑफ अ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन की तीसरी अवस्था, प्रेमी साइज लाइक अ फर्नेस, तो लवर साइज लाइक अ फर्नेस, प्रेमी भट्टी के जैसी आहें भरता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपको डाल दूंगा, और ज़्यादा लाइक्स नहीं आए तो अगली वीडियोज फिर मैं मुश्किल ही डाल पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, द पॉइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कभी मानव के जीवन की दो वस्तुओं से तुलना, प्रकृति की दो वस्तुओं से तुलना करता है, व्हाट आर दीज, ये दो चीजें क्या हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद विच पॉइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ आर गिवन बिलो, दो चीजें जिनकी, जिन दो वस्तुओं से मनुष्य की तुलना की गई, प्रकृति की जो दो चीजों से तुलना की गई, वो कौन कौन है, एन ओक ट्री और लिली फ्लावर, कि एक तो ओक ट्री है, ओक ट्री से तुलना की गई है, और दूसरा किससे की गई है, लिली फ्लावर से, ये नोबल नेचर में से है, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, नोबल नेचर में से है ये प्रश्न, तो आप नोबल नेचर का मान लीजिएगा इसको। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, जो निराशापूर्ण रास्ते हैं वहां आशा का क्या प्रभाव होता है, किस तरह से प्रभावित करती है ये अंधकारपूर्ण रास्तों को, देखिए कैसे प्रभावित करती है। होप एनलाइटन्स, आशा प्रकाशित कर देती है किसको, द ग्लूमी थोरोफेयर्स ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन के जो अंधेरे वाले रास्ते हैं, मनुष्य के जीवन में जहाँ दर्द हैं, दुख हैं, उन दर्द और दुखों को एनलाइटन्स प्रकाशमान कर देती है। होप मेक्स अ मैन फील फ्रेशनेस एंड वार्म्थ, आशा मनुष्य को ताज़ा महसूस करवाती है, अच्छा महसूस करवाती है, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के लिए, तो आशा मनुष्य को फ्रेश रखती है, वार्म्थ अच्छा महसूस करवाती है, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के लिए, तो आशा इस तरह से प्रभावित करती है मनुष्य के दुखों में, या मनुष्य के, हम कहें, अंधकारपूर्ण रास्तों में आशा इस प्रकार से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एट वॉट स्टेज डज अ मैन वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, कौन सी अवस्था में मनुष्य चश्मे पहनता है अपनी नाक पर। अ मैन वियर्स स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज एट द सिक्स्थ स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की छठी अवस्था में मनुष्य अपनी नाक पर चश्मा लगाता है, या हम कहें चश्मा पहनता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे ही आप सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबाया पहले, तो एक बार बेल आइकन दबाएं, इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है जैसे ही अपलोड किया जाता है कि आज नई वीडियो डली है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बस एक आपको सॉरी लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हाउ डज होप मेक अस फील फ्रेशनेस, आशा हमको कैसे तरोताजा महसूस करवाती है, एंड वार्म्थ, और कैसे खुश रखती है, ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए कैसे रखती है, देखिए, होप मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्म्थ, आशा हमको ताज़ा महसूस करवाती है, हमको अच्छा महसूस करवाती है, वार्म्थ मीन्स अच्छा महसूस करवाती है, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के लिए कैसे, बाय एनलाइटनिंग, प्रकाशित करके,
ग्लूमी थॉर अफेयर्स ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन के जो आम रास्ते अंधकारपूर्ण रास्ते हैं, उन अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करके ये आगे आने वाले दिनों के लिए हमको अच्छा महसूस करवाती है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दो ही प्रश्न रह गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वॉट इज मीन्ट बाई स्लिपर्ड पेंटालून। स्लिपर्ड पेंटालून का मतलब क्या है? पेंटालून के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पेंटालून का मतलब होता है जॉकर, जिसे देख करके हंसी आए, और स्लिपर होती है चप्पल। तो स्लिपर्ड पेंटालून मीन्स अ जॉकर। स्लिपर्ड पेंटालून का मतलब है जॉकर और ह्यूमरस कैरेक्टर या हास्यास्पद एक पात्र, हु इज बियरिंग स्लीपर्स, जो चप्पल पहने हुए हैं, और चप्पल्स दोनों ही शब्द लिख दिए हैं मैंने। तो स्लिपर्ड पेंटालून का मतलब है जॉकर या ह्यूमरस कैरेक्टर, हु इज बियरिंग स्लीपर्स, जिसने चप्पल पहनी हुई है। तो ये है स्लिपर्ड पेंटालून। लास्ट क्वेश्चन है हमारे 30th, दिस इज द 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज लिली बेटर देन ओक, कि लिली ओक से अच्छा कैसे है? देखिए, द लिली हुज लाइफ इज टू शॉर्ट, लिली जिसका जीवन बड़ा छोटा है, येट मीनिंगफुल, लेकिन बहुत ही शाब्दिक है, बहुत ही अच्छा है। कैसे? बिकॉज इट डिलाइट्स और इम्प्रेसेस इट्स ऑनलुकर्स, ये प्रसन्नचित करती है, लिली का फूल या प्रभावित करता है इसके देखने वालों को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एन ओक स्टेज 300 ईयर्स, ओक 300 साल जीता है, बट इट डज नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स, लेकिन ये दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता है। लाइफ डज नॉट मेक अ मैन बेटर, मनुष्य को एक उसकी जो लाइफ है वो अच्छा नहीं बना सकती, बट हिज एक्ट्स डू, उसके कार्य उसको अच्छा बनाते हैं। तो ये हाउ इज लिली बेटर देन ओक, कि लिली ओक से बेटर क्यों है, ये हमारे 30 प्रश्न हो गए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका अपना उमेश गुरु उमेश चौधरी, एंड आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर, डिस्ट्रिक्ट अलवर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।